हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल आर्ट लाइफ आकांक्षा। आज मैं आपके साथ एक इजी आइडिया शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास कार्डबोर्ड बॉक्स बहुत सारे रखे हुए थे, वो भी बहुत टाइम से मैं ये DIY बनाने का मन था, पर सोचा अब मना ही लेती हूँ, यूट्यूब पर शेयर भी कर दूँगी और अपने छोटे मोटे DIY भी रख लूँगी। मैंने 2 DIY इजी मेथड से बनाए। इतने इजी मेथड से ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ा और घर के ही बेस्ट से मैंने बना लिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक बॉक्स है, कितना पतला सा है। ये जब मैं मेरे बेटे के लिए ये बॉक्स आया था तो मैंने तभी संभाल के रख दिया था। सोचा था इसका मैं स्लैब वाला DIY बनाऊंगी जिससे मैं अपने DIY रख सकती हूँ। तो इसके बाद इस बॉक्स पे मैंने पहले मार्किंग कर ली। मार्क करने के बाद इसको मैंने पेपर कटर की हेल्प से कट कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने इसको बीच से कट किया है। कट करने के बाद इसके जो ऊपर के एजेस थे उसको मैंने थोड़ा सा कट करने के बाद ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया। अब मेरे पास थर्माकोल के कुछ पीसेस रखे हुए थे, बहुत टाइम से मैं इसको रख रही थी संभाल के, तब पे मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके अंदर मैंने फिल कर दिया जिससे थोड़ा सा हैवी हो जाए, मजबूत भी हो जाए। फिर पेपर की हेल्प से इसको स्टिक कर दिया। फिर उसके ऊपर पे मुझे लगा थोड़ा सा और अच्छा सा कर दूँ, तो ये मेरे पास वुडन टेक्स्चर का पेपर रखा हुआ था बहुत पहले का, तो मैंने इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया। ग्लू के हेल्प से पूरे में स्टिक करने के बाद आप देख सकते हैं कितने मजबूत बॉक्सेस बन गए मेरे। फिर मेरे पास ये ब्लैक कलर की डोरी बहुत सारे रखे हुए थे, जैसे किसी टी शर्ट वगैरह में हुडी जो होती है उसमें नारे की तरह होती है, पजामे में नारा होता है, तो वो यूज़ नहीं होते थे, उनको मैंने संभाल के रख लिया। फिर उसके बाद ये मैंने बड़े से सूजे के हेल्प से इस पर छेद कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर छेद कर लिया। फिर जो डोरी थी ब्लैक वाली उसको मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये डोरी भी मेरी यूज हो गई और मेरे स्लैब भी बन गए। फाइनली भी वीडियो के एंड में देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये DIY कैसा लगा। अब दूसरे DIY पे आते हैं। मेरे पास एक लंबा सा बॉक्स था, किसी मिठाई वगैरह में आया था, दीपावली के टाइम पे गिफ्ट में आया था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर ये पेपर था, ये बहुत मोटा था, मजबूत भी था, तो मैंने इसको यहीं पर ही ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया, क्योंकि ये पेपर भी फेंकना बेकार ही हो जाता। फिर अलग से कार्डबोर्ड लेकर फिर मैंने उसके पतले पतले स्लैब बना लिए। तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं मैं पेपर को स्टिक कर रही हूँ और ग्लू की हेल्प से स्टिक करने के बाद मैंने 3 स्लैब बनाए। हमारे पास गिफ्ट तो बहुत आते हैं पर हम उसका यूज़ नहीं कर पाते, हम फेंक देते हैं या उधर उधर फेंक देते हैं, तो फिर वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं रहता। तो आप उसको बचाइए और घर पे अपने यूनिक आइडिया से बनाइए और शेयर भी कीजिए लोगों के साथ और बताइए मेरे आपको मेरा ये DIY कैसा लगा। आप देख सकते हैं मैंने ये 3 स्लैब बनाने के बाद ये छोटे छोटे मैंने कॉर्नर के में लगाने के लिए बनाए जिससे ये स्लैब खिसके नहीं गिरे नहीं, तो फिर मैंने इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया।
ग्लू गन के हेल्प से मैंने इसमें पतले पतले कॉर्नर को लगा लिए। फिर उसके बाद पे मैं ये देख के देख रही हूँ ये कैसे लगाएंगे। फिर उसके बाद पे मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से ही स्लैब को लगा दिया। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको स्लैब को लगा रही हूँ। ये देखिए ये शादी के कार्ड का था, शादी के कार्ड थे वो भी बेकार हो जाते तो फिर मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिए, ख़राब भी नहीं हुए और अपने शादी के कार्ड भी यूज़ हो गए। और उसके बाद फिर मैंने ये ऊपर हार्ट की शेप देने के लिए पर मैंने इसको कार्डबोर्ड को कट किया, पर ये कार्डबोर्ड इतना मजबूत था, मोटा था तो ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। पर मैंने इसके पीछे, मैं तो पहले ऐसे ही लगा रही थी, फिर बाद में सोचा इसके पीछे एक कार्डबोर्ड लगा दूँ तो ये थोड़ा सा रुका रहेगा। तो फिर कार्डबोर्ड ट्रायंगल की शेप में कट करके फिर ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक कर दिया। आप देख सकते कितना मोटा है, मुश्किल से लगा, ये लग गया पर मुश्किल लगी इसमें। हम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैन लाते हैं तो उसमें ये लगा हुआ होता है जिससे खोलते हैं, इसको यहाँ पे मैंने हैंग करने के लिए यूज़ कर लिया। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मजबूत होता है ये, किसी भी चीज़ को हैंग कर लेता है। मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक कर दिया और ये मजबूती से हैंग भी हो गया। आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिक करने के बाद पे मैंने इस पर लगा दिया था। लगाने के बाद पे मैंने इसको एम सील की हेल्प से स्टिक किया था क्योंकि ग्लू गन की हेल्प से ये स्टिक नहीं हो पा हो तो गया था पर ये गिर जाता, तो मैंने इसको बाद में एम सील की हेल्प से स्टिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं पीछे मैंने एक कागज़ भी लगाया है, इसको मजबूती से लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक कागज़ लगा दिया जैसे ये मजबूती बनी रहे। तो अब आगे को मैंने इसमें ग्लू गन लगा के ये अपना ये नीचे का बॉक्स स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद पे मैंने एक पेपर वाला लगा के इसको स्टिक कर दिया। अब आप फाइनल रिव्यू वीडियो के एंड में देखिएगा आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए ये एक ऑर्गेनाइजर है, लग रहा है आपको ये मैंने घर के वेस्ट से बनाया है। और देखिए वुडन टेक्सचर लग रहा है इसका, कितना अच्छा लग रहा है। और इस पर मैंने अपने कुछ डी आई वाई, मेरे बच्चों ने थोड़े से अपने टॉय रख दिए, मम्मी मैं भी रखूँगा तो उन्होंने अपने टॉय रख दिए। और आप देख सकते कितना अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं दूसरा ड्राइवर कितना क्यूट लग रहा है, मतलब झोपड़ी की शेप में है। मेरे बेटे को ये बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं मैंने अपने इसमें सारे DIY रख रखे हैं, आप इन सारे DIY के वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं इन सब DIY के लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अब आप देख सकते हैं कैसे इजी मेथड से मैंने इसे घर पर बनाया, बहुत इजी मेथड से बनाया है। और मैंने कुछ भी बाजार का नहीं लगाया, सब अपने पास से ही इसमें घर की ही सामान से ही इसको रेडी किया है। अब आप फाइनल रिव्यू देखिए और बताइए वीडियो में आपको कैसा लगा, आप कौन सा DIY बनाने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।